हेलो गाइस, मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको 5 ऐसी इजी एक्सरसाइजेस आने वाली हूँ, जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को तो बढ़ाएगा, साथ के साथ आपके लेबर पेन को भी कम करेगा और आपके चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को भी कम समय में पूरा करेगा। गाइस, एक्सरसाइजेस करने से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि बैक पे पेन रहता है और प्रेगनेंसी के दौरान वजन भी काफी बढ़ने लगता है और प्रेगनेंसी के दौरान हमें डायबिटीज और थायराइड होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो गाइस, एक्सरसाइजेस करने से आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम है बहुत ही कम हो जाएगी, इनके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और जो आपके लोअर बैक पे पेन और आपके बैक पे पेन रहता है, इन एक्सरसाइज को करके आप अपने बैक पेन से भी छुटकारा पा सकते हैं। गाइस, इन एक्सरसाइजेस को आप फर्स्ट से लेकर 9th मंथ तक किसी भी टाइम फॉलो कर सकते हैं। बट कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। अपने डॉक्टर के सलाह के बिना आपको कोई भी एक्सरसाइजेस फॉलो नहीं करनी है। तो गाइस, अपना टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स के फुट को जॉइंट करके रखना है, देन अपने दोनों हैंड्स को अपने लेग पे प्लेस करते हुए अपने दोनों लेग्स को फर्स्ट अपसाइड उठाना है, देन डाउन साइड, अप एंड डाउन। ऐसा आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। Then relax. इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन आपको अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अपने दोनों लेग्स को ओपन करके रखना है, नॉर्मल गैप रखना है दोनों लेग्स के बीच में। अपने दोनों हैंड्स को फ्लोर पे प्लेस करते हुए अपने हिप को अपसाइड उठाना है फर्स्ट, देन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन। ऐसा आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। देन रिलैक्स। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को और अपने दोनों हैंड्स को फ्लोर पे रखना है, दोनों लेग्स की नी को बेंड करके रखना है, देन फर्स्ट आपको अपने नेक और हिप को डाउन साइड लेके जाना है और अपने अपर बॉडी को अप साइड, देन नेक्स्ट में आपको अपने हिप को और अपने नेक को अप साइड उठाना है, अपर बॉडी को डाउन साइड। आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम वॉल का सपोर्ट लेंगे। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स को अपने वॉल पे होल्ड करना है, अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके आपको टो पर आना है, देन इसी पोजीशन में रह के आपको अपनी बॉडी को 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है और ऐसा आपको 5 टाइम्स करना है। अपने दोनों लेग्स के बीच में नॉर्मल गैप रखना है। Then relax.
इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट साइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से बैठना है, देन आपको अपने राइट हैंड को अपने टमी पे होल्ड करके और अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट पे रखना है। देन आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, फर्स्ट इनसाइड देन आउटसाइड। ऐसा आपको 30 टाइम्स तक करते रहना है। ये एक्सरसाइजेस आपके डिलीवरी के टाइम पर आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो गाइस इसी तरीके से हमारी सारी एक्सरसाइज यानी कि 5 एक्सरसाइजेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको 5 एक्सरसाइजेस बताई है, आई होप कि आपको मेरी 5 एक्सरसाइज सारी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर फॉलो करें, ताकि आपके फैमिली में भी कोई प्रेग्नेंट है तो उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसी तरीके की न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।